सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा आप टॉपिक पे देख लिया होगा, टॉपिक दोस्तों जो आज का बनाया है बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक है, और जो कोशिश की है मैंने कुछ समझाने की, कुछ अपनी बातें रखने की, मेरा कहीं भी ये मकसद नहीं है कि मैं कहीं भी गांधी जी की बुराई करी या किसी फ्रीडम फाइटर की इंसल्ट करा, मेरा मकसद नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि इनकी इंसल्ट करूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम जिस लीडर को फॉलो करते हैं, जो हमारे देश के लीडर हैं, उनकी अच्छी बातों को तो हम जानते ही हैं, उनकी अच्छी बातों को काफ़ी बताया गया हमें, लेकिन उनकी जो कमियाँ थी उनको भी जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला तो ये इंसिडेंस था। दूसरा इंसिडेंस जो मेरे दिमाग में आता है कि जब भी मैंने अपनी बुक पढ़ी, प्राइमरी लेवल की बुक पढ़ी, और जब तक मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने से खोज की किताबें पढ़ना शुरू करूँ, आप कह सकते हैं कि बचपन में जो मुझे बुक पढ़ने के लिए दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनमें मुझे गिने चुने लोगों का ही फ्रीडम फाइटर का जिक्र मिलता है, जबकि बाकी के फ्रीडम फाइटर कहाँ चले गए, क्या यही 10-15 लोग इन्होंने ही सारी लड़ाई लड़ी थी और सारे क्रेडिट यही उठा के ले गए। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अंत तक में आप वीडियो देखते रहिएगा और आप जान जाएंगे क्या मेरा मोटिव है इस वीडियो के बारे में बनाने में और क्या इसमें ट्रुथ है। अपना विचार भी इसमें दीजिएगा। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर। दोस्तों जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गांधी जी के जो नेचर था वो था डिक्टेटरशिप टाइप का नेचर था। 1927 की मैं बात करना चाहूँगा, महात्मा गांधी के एक कोट की। उन्होंने सी गोपाला राजाचार्य को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था। फिर बाद में राजा जी से थोड़ा सा इनका डिफरेंस हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है 1942 का जो क्रिप्स मूवमेंट आता है उसके ऊपर लेके। तो बाद में जब इस डिसएग्रीमेंट के बाद में गांधी जी ने कहा कि नॉट राजा जी बट जवाहरलाल नेहरू विल बी माय सक्सेसर। ये जो मैं कोट आपको दे रहा हूँ, ये कोट है, बुक है वॉकिंग अमंग्स लायंस के। तो वहाँ पर फिर जवाहरलाल नेहरू को ये अपना सक्सेसर बना देते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि आप राजा जी को बना रहे हो चाहे जवाहरलाल नेहरू को बना रहे हो, दोनों में कौन कम्पिटेंट है कौन कम्पिटेंट नहीं है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। मेरा मानना यह है कि अगर आप इतने बड़े डेमोक्रेसी की रचना करने जा रहे हो, इतने बड़े डेमोक्रेसी को आप बनाने जा रहे हो, और उस डेमोक्रेसी की बुनियाद जो है, क्या है बुनियाद, बुनियाद कहाँ से रखी है आपने, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनडेमोक्रेटिकली आप चुना हुआ है, किसी ने डेमोक्रेटली जो गांधी जी के साथ में था, गांधी जी के पास में लगा था, वही मास मूवमेंट का क्या लीडर था, तो डेमोक्रेसी के लीडर को कैसे चुना जाता है, यहाँ पर एक बहुत ही मुझे क्वेश्चन मार्क लगा। दूसरी चीज़ देखा हमने कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा था और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनके अपोजिट में सीतारमैया जी को गांधी जी सपोर्टेड कैंडिडेट थे, वो खड़े होते हैं। इस इलेक्शन में नेताजी की बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत मिलती है और सीतारमैया को यहाँ पर हार मिलती है। हालांकि बाद में गांधी जी के प्रेशर में, गांधी जी प्रेशर बनाते हैं, अमरण अनशन पर चले जाते हैं और नेताजी को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, मास लीडर की बात करते हो, और जब कोई मास लीडर से चेंज चुन के आ रहा है तो वहाँ आप उसको रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर देते हो। तो ये भी एक थोड़ा दिखता है यहाँ पर आपको, जो हिटलर शाही दिखाई दिए मुझे। दूसरा जो एक सबसे बड़ा दिखाई दिया यहाँ पर आपने, सरदार पटेल जो एक मास लीडर थे उनको छोड़ के फिर आप जवाहरलाल नेहरू को, कौन ज़्यादा कम्पिटेंट है उसकी बात में नहीं है, लेकिन कम्पिटेंट ये है कि कम्पिटेंट और भी थे, वो भी हो सकते थे चॉइस, लेकिन वो नहीं हुए। फिर यहाँ पर मुझे जो दिखता है थोड़ा बहुत गांधी जी के ईगो की बात हो जाती है कि मेरा उठाया हुआ कैंडिडेट कैसे हार गया और ये नेताजी कैसे जीत गए थे, ये थोड़ा ईगो की मुझे दिखाई देता है। दूसरा चीज़, गांधी जी में अपने ही विचारों को लेके वो कंट्राडिक्ट और अपने विचारों के फेर में फर गए थे। तो जैसे वो उनकी वाइफ कस्तूरबा जी बीमार पड़ी तो उनको इंजेक्शन लगाने के लिए वो तैयार नहीं होते, कहते कि इंजेक्शन इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस का एक फॉर्म है, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ और इंजेक्शन नहीं दिया उन्होंने। ये जो मैं आपको कोट दे रहा हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट का कोट है। अब जो गांधी जी के जिन्होंने आंदोलन चलाए उनके ऊपर ही बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो पहला क्रिटिसिज्म जो उनके आंदोलन को लेके था, मैक्सिमम आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया उनको वो पूरा खुद ही नहीं करते थे, या आप कह दें कि जो आंदोलन वो शुरू करते थे उन आंदोलनों को खुद ही वो डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे।
अब चाहे वो साउथ अफ्रीका में देखो, साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट उन्होंने किया अच्छा मूवमेंट था, ठीक मूवमेंट था, लेकिन जो मूवमेंट वो कंप्लीट करके नहीं आए, क्या वहाँ पर अस्तित्व और अस्तित्व वाले का जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया था? नहीं ख़त्म हो पाया था, लेकिन उसको वो आधा अधूरा छोड़ के वो चले आते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे बात कर दो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, बात कर लो क्विट इंडिया मूवमेंट की, बात कर लो, दोनों में भी यही होता है कि आधे अधूरे रास्ते में उसको छोड़ देते हैं। नॉन कोऑपरेशन का मुद्दा चल रहा था, फिर वहाँ पर चौरी चौरा का इंसिडेंस हो जाता है और उसमें जो है वो एक छोटी सी पॉपुलेशन हिंसा करती है, उसके बदले में इतना बड़ा मूवमेंट वो चल रहा था। और अगर कहते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय पूरे अपने फुल फ्लेज में था और अगर वहाँ पर वो सक्सेसफुली हो जाता तो देश की आज़ादी सारी हमारे पास जो है कुछ समय पहले मिल जाती हमें। तो आप दूसरा यहाँ पर जो पाकिस्तान का पार्टीशन कहाँ से होता है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ चल रहा है और उसी टाइम के साइम में यहाँ पर जो है क्विट इंडिया खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अब खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी टर्की ने, टर्की जो जर्मनी और जापान का साथी था, पूरी लड़ाई में अंग्रेज जीतते हैं और जर्मनी और जापान फाइनली वो हार जाते हैं। तो वो अंग्रेज़ जीतने के बाद टर्की के जो खलीफा थे उनको गद्दी से हटा देते हैं और टर्की को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस पूरे माहौल को वो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो विरोध कर रही थी। गांधी जी कहते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम साथ में ले लें, खिलाफत आंदोलन को, और उसके साथ में हम मिल के करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा मास मूवमेंट हमें मिल जाएगा और मुस्लिमों का सपोर्ट मिलेगा। कई लोगों ने मना किया, इवन जिन्ना ने भी मना किया, आप सांप्रदायिक जो झगड़ा है उसको आप पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहे हो। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको मना किया, लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करके उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिला लिया। और यही वो मूवमेंट था जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिम लीग ने अपनी जड़ें जमाने शुरू की और पार्टीशन की जो डिमांड थी वहाँ से एक बुनियाद एक पड़ जाती है। फिर वो बुनियाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट का समय आता है वो बुनियाद बहुत तगड़ी जाती है और गांधी जी को मजबूरन वहाँ पर पार्टीशन की बात माननी पड़ती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गांधी जी अपनी ही बातों को वो कंट्राडिक्ट करते थे, कहते थे कि जो मैंने पुराने एक्सपीरियंस अब नया जो एक्सपीरियंस कर दिया है उस अकॉर्डिंग मेरी जो ये पुरानी बात थी वो गलत हो गई है। तो ऐसा इन्होंने खुद गांधी जी की बात सामने आती है मिडनाइट एट फ्रीडम बुक में दिखाई देता है। और इससे जो उनके श्रोता थे, जो उनके फॉलोवर थे, उनके अंदर बड़ा कन्फ्यूज़न था कि हम पुरानी वाली बात को माने या नया वाले बात को माने। जैसे अब मौलाना देख लीजिए, नॉन वायलेंस की बात ही मैं करता हूँ कि अपना जो फ्रीडम मूवमेंट था, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, वहाँ तो गांधी जी ने अहिंसा का साथ दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की अनुमति दे देना, ना इन्होंने एम्बुलेंस के लिए शामिल किया, लॉजिस्टिक के लिए शामिल किया, ना और बाकी फुल प्लेस वो लड़ाई में शामिल करने की अनुमति दे दी उनको, जबकि उस लड़ाई से हमारा ना कोई लेना देना था ना कुछ भी था। तो ये वर्ल्ड वॉर के नाम पर वायलेंस कैसे अलाउड कर दिया आपने, तो ये भी एक कंट्राडिक्टरी है। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेज है जो गांधी जी के इंसिडेंसेज, चाहे वो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख लो, आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एट रैंडमली जब उन्होंने वापस लिया चौरी चौरा इंसिडेंस के बाद में, तो 110 लोग को जेल जाना पड़ा था और 6 लोग उसमें से पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। दूसरा जो इंसिडेंसेज अब गांधी जी का, आप जो नॉन वायलेंस की बात करते हो, ठीक है आपका विचार है, आप अच्छे हैं, आप फॉलोवर अच्छे हैं, लेकिन जो लोग दूसरे रास्तों पर चल के आज़ादी को पाना चाहते हैं तो वो गलत नहीं थे, वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन भगत सिंह के, जहाँ पर भगत सिंह की रिहाई के बारे में जो गांधी जी के प्रयास हैं वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी डाउट है और कई बुक में उस पर लिखा भी हुआ है कि क्या। तो दोस्तों कैसा लगा आपको टॉपिक हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, स्पेशली जो बेल का नोटिफिकेशन हो उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसके दबाने से आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।